ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं वरजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमो नलिननेत्राय वेणुवाद्यविनोदिने राधाधरसुधापानशालिने वनमालिने महाभावस्वरूपास्त्वं कृष्णप्रियवरीयसि प्रेमभक्तिप्रदे देवी श्रीराधिका त्वं नमोऽस्तु ते। हरे कृष्ण, स्वागत है आपका इस दामोदर अष्टकम के प्रवचन श्रृंखला में। तो कल के श्लोक में हमने देखा कि एक शुद्ध भक्त रहते हैं, उनकी भगवान से क्या अभिलाषा रहती है और उस अभिलाषा के कारण वे भगवान से क्या मांगते हैं। तो हमें यहां पे समझना चाहिए कि भक्त की भगवान से केवल एकमात्र अभिलाषा रहती है कि भगवान मेरा आपके प्रति जो सेवा भाव है वो बना रहे और नित्य रूप से आपका मुझे स्मरण हो और अपने अपने भाव के अनुकूल, अपने अपने रस के अनुकूल वो व्यक्ति, वो भक्त भगवान के उस स्वरूप का नित्य स्मरण चाहता है। तो जैसे कल के श्लोक में हमने देखा कि सत्यव्रत मणि कहते हैं कि वरम देव मोक्षम न मोक्ष वदिम वा न चान्यम वृण्येहम वरेषादपि ह इदम देव पूनार्थ गोपाल बालम। इदम दे, ये जो गोपाल बाल रूप है आपका, ये नित्य मेरे लिए वांछित है, मैं इसको नित्य रूप से देखना चाहता। और फिर इसी अभिलाषा को अगले श्लोक में वे पुष्टि देते हैं कि ये जो बालक रूप, क्यों ये वाला, क्योंकि इसमें ऐसी क्या सुंदरता है, क्या मोहकता है, क्या माधुर्य है उसमें, उसका वर्णन इस पांचवें श्लोक में सत्यव्रत मणि कर रहे हैं। वे कहते हैं इदं दे मुखां भोजं अत्यंत नीलैर वृतम कुंतलैः स्निग्ध रक्तैश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बं रक्ताधरं मे मनस्याविरास्तम् अलं लक्षलाभै। वे कहते हैं अरे मेरे भगवान, इदम ये जो है आपका मुख कैसा है, अंबुज, वे भगवान के मुख को कमल की उपमा देते हैं और कहते हैं कि ये जो आपका मुख कमल जो है, जो अव्यक्त निलयर यानी अत्यंत नील तथा परम श्यामल है और स्निग्ध रक्त ही कोमल लाल रंग के च यानी जो कुंतल है आपके घुंघराले बाल जो है और उससे वो ढका हुआ है आवृतम, वृतम च गोप्या। अब यहां पे गोप्या शब्द का प्रयोग किया है, यहां पे यशोदा या नहीं कहते बल्कि गोप्या कहते हैं। तो ये जो दामबद्ध लीला है ये दो बार हुई थी,
एक बार तो जिसका वर्णन पिछले कई दिनों से हम कर रहे हैं, और दूसरी बार एक बार भगवान श्रीमती राधा रानी जी को मिलने के लिए समय पे नहीं पहुंच पाते हैं। तो श्री जी उनसे थोड़ा मान का लीला करती है, और वे क्या करती है, जैसे मैया ने लाला को उखल से बांधा था, तो श्री जी अपनी वेणी में से रेशम की डोरी निकाल के लाला को अपने कमर से बांध लेती है। इसलिए हम देखते हैं कि अंतिम श्लोक में वे सत्यव्रत मणि कहते हैं कि नमो देव दामोदर नमस्ते स्तु दामने स्फुरत दीप्ति धामने, मैं उस उदर को भी प्रणाम करता हूं, उस रस्सी को भी प्रणाम करता हूं, और बोलते कि आपकी जो प्रिया है श्रीमती राधा रानी उसको भी प्रणाम करता हूं। अभी प्रश्न ये आता है कि लीला की शुरुआत में वे कहते कि यशोदा ने उनको बांधा है, तो यशोदा का गुणगान करने के बजाय यहां पे वे कहते कि इस आपके उदर के साथ साथ वो रस्सी, और रस्सी के साथ साथ की जो अत्यंत अत्यंत प्रिया जो राधा रानी है उसको भी मैं प्रणाम करता हूं। तो वो क्यों? तो सनातन गोस्वामी बात बताते हैं, क्योंकि यहां जो गोप्या जहां जहां पे शब्द का प्रयोग किया गया है, तो केवल यहां पे माता यशोदा नहीं बल्कि श्रीमती राधा रानी का भी उल्लेख है। क्योंकि यहां पे बताते हैं कि मुहुशुंबितम बिंबम रक्ता अधरम में मनस्या अविरास्तम अलम लक्ष्य लावे। अब यहां पे कौन कौन है जो भगवान के अधर अमृत का रसपान करते हैं, और सबसे ज्यादा कौन करता है? अब इस श्लोक के अनुसार यशोदा मैया है, और भगवत लीला के अनुसार जो श्रीमती श्रीजी जो है वो जो भगवान से अत्यंतिक प्रेम करती है, उस प्रेम के कारण जो उनके मुख कमल का चुंबन करती है, उसका वर्णन भी यहां कहा था कि मुहुशुंबितम बिंबम रक्ता धरम में, उनका मुख कमल इतना लाल रंग का हो गया जैसे कि बिंब फल के भांति इतना रक्तिम हो गया है। किस कारण? क्योंकि उनके उस मुख कमल का गोप्या श्री यशोदा माता और श्री राधिका जी बारंबार चुंबन लेती है, और वे कहते कि ऐसा जो आपका स्वरूप है वो मनसी हृदय में अर्थात विशुद्ध सत्व चित्त में अविरास्ता वो प्रकट हो, और लक्ष्य लाभ है, और अलम यानी मेरा दूसरा कोई प्रयोजन ही नहीं, और इससे अलग कोई मुझे लाभ की आवश्यकता नहीं है। तो इसके अनुवाद में सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं कि हे देव, अत्यंत श्यामल वर्ण और कुछ लालिमा लिए हुए चिकने और घुंघरारे बालों से आच्छादित तथा मां यशोदा के द्वारा बारंबार चुंबित आपका मुख कमल, जहां पके हुए बिंब फल की भांति अरुण मनोहर अधर पल्लव है, मेरे हृदय में सर्वदा विराजमान रहे, मुझे लाखों प्रकार के दूसरे लाभों की अर्थात वरों की आवश्यकता नहीं है। तो पहले कहते हैं कि वरम देव मोक्षम न मोक्ष वदम्बा न चान्यम वृण्णे हम वरेषादपि, मुझे किसी भी वर की अपेक्षा नहीं। वही बात यहां पे भी दोहरा रहे कि मुझे बस वही आपका जो सुंदर मुख कमल है, बस वही इस हृदय में इस शुद्ध चित्त में आविर्भूत हो। तो यहां पे भगवान के सुंदर मुख कमल का वर्णन किया गया, और ये जो अनिर्वचनीय भगवान का मुख कमल का सौंदर्य है, ये वाणी के द्वारा उसका हम वर्णन नहीं कर सकते। कैसा है? देखो यहां पे कमल की उपमा दी गई है। कमल के कुछ गुण है, एक तो उसका आकार लुभावना होता है, दूसरा जब हम कमल को देखते हैं तो निखिल संताप का हरण हो जाता है, मन में किसी भी प्रकार का ताप हो वो नष्ट हो जाता है, और दूसरी चीज क्या होती है तो परम आनंद की प्राप्ति होती है।
इसलिए हम देखते हैं कि भगवान के एक हाथ में नित्य रूप से कमल रहता है, वो कमल उसी का प्रतीक है। एक तो उसकी उसका आकार, दूसरा मन के ताप को हरने की उसकी शक्ति, और तीसरा है जो हमें आनंद प्रदान करता है। और कैसा है भगवान का मुख कमल, क्योंकि वे सर्व सौंदर्य विग्रह है। सारे सौंदर्यों को अगर मूर्तिमान विग्रह के रूप में आपको देखना है तो यह हमारे श्याम सुंदर जी है। भागवत के प्रथम स्कंद में पांचवें अध्याय में जहां पे नारद जी वर्णन करते हैं कि वे जब उत्तर की दिशा की ओर प्रयाण कर रहे होते हैं भगवत भजन करने की लालसा से, तो उस समय जाते समय जो निसर्ग की मनोहरता वो देखते हैं, तो वहां पे वर्णन करते कि ये निसर्ग या ये नैसर्गिक सौंदर्य जो है ये और कुछ नहीं है बल्कि मेरे नित्य स्वामी मेरे प्रभु जो है उनका वो स्मित हास्य है। तो सोचिए आप, उस स्मित हास्य को देखने के लिए लोग हजारों डॉलर्स हजारों रुपए खर्च करके दुनिया की भ्रमण भी करते हैं। अरे वहां पे सनसेट पॉइंट है, अरे वहां पे जाएंगे तो सनराइज बहुत बहुत सुंदर दिखाई देता है, अरे वहां पे जाएंगे तो झरने बहुत सुंदर है, नदियां बहुत सुंदर रूप से बह रही है, सागर का तट इतना सुंदर है। वो सौंदर्य देखने के लिए लोग लालायित होके यहां वहां भागते हैं, करोड़ों हजारों रुपए खर्चा करते हैं उसके लिए। तो आप सोचिए वो एक केवल स्मित हास्य है भगवान का, तो उस भगवान का मुख कमल कैसे होगा? और ऐसी कोई उस मुख कमल को देख पाएगा? उस मंद हास्य देखने के लिए आपको हजारों रुपए खर्चा करना पड़ता है, तो भगवान का मुख कमल देखने के लिए क्या कुछ देना नहीं पड़ेगा? क्या देना है यहां पे? साधना। तो आगे भी कहते हैं कि भगवान का मुख कमल कैसा है, तो वह परम श्यामल है, स्निग्ध है और आकर्षक केश अथवा अलकाओं से घिरा हुआ है। मानो ऐसे प्रतीत होता है कि कई भौरे उस कमल की आजू बाजू में मंडरा रहे हो, भगवान की जो घुंघराली अलकावली है। अलकावली मंडित भाल तटम, ब्रजराज सूत अष्टकम में वर्णन आता है कि भगवान कैसे दिखते हैं। अलकावली मंडित भाल तटम श्रुति डोलित माकर कुंडलकम। अरे उनके कानों में श्रुति यानी कानों में मकर कुंडल जो है वो डोल रहे हैं, और वो जो मुख कमल है वह गोपी यशोदा अथवा राधिका के द्वारा बारंबार, यहां पे मुहु लिखा है, मुहु यानी हर मुहूर्त में हर क्षण में, कि हर क्षण में वे उसको उसका चुंबन दे रहे हैं। तो एक तो पहले जो वर्णन किया है बाल गोपाल स्वरूप का, अगर ऐसा नटखट इतना सुंदर बालक दिखाई दे तो क्या मन लालायित नहीं होता उसका चुंबन करने के लिए? अगर मनुष्य है उसमें वात्सल्य भाव है तो निश्चित रूप से मन लालायित होगा उनको चुंबन करने का। तो वही यहां पे हम देख सकते हैं, सनातन गोस्वामी बात बोलते हैं कि यहां पे मुख कमल का ही दूसरा विशेषण वे कह रहे हैं कि बिंब रक्ता धर्म, अर्थात जिसमें बिंब के समान लाल दो ओट है, इसलिए अन्य लाखों वरों की प्राप्ति से मेरा कोई प्रयोजन नहीं है, मुझे बस यही सुंदर सुकोमल स्निग्ध श्यामल मुख कमल जो है भगवान का, बस उसका ही मुझे, वही अविस्तारम कहते कि वो मेरे हृदय में प्रकट हो, आविर्भूत हो। तो अब ऐसे लगता है कि जैसे भगवान सत्यव्रत मणि की
प्रार्थना सुन लिए और उनकी भावना से अवगत होकर मानो उनसे कह रहे हैं कि हे मुनि, मैं प्रसन्न हूं और कोई वर मांगो। तो भगवान की बात सुनकर मुनि कहते हैं, प्रभो आप वर दाताओं में तो सर्वश्रेष्ठ है, आप अनंत वर देते हैं और दे भी सकते हैं, किंतु सब उन सब वरों में मुझे कोई प्रयोजन नहीं है। वे कहते हैं केवल इदम दे, ये जो मुखाम्भोज है ये ध्यान से मेरे हृदय में प्रकट हो, इसकी स्फूर्ति हो, क्योंकि आपके मुख कमल का जो अनिर्वचनीय सौंदर्य है मैं निरंतर उसका दर्शन करना चाहता हूं। तो कैसा है ये बाल स्वरूप? वो इतना मनोहरी, इतना आकर्षक है कि कह नहीं सकते हम उसके लिए, शब्द ही नहीं हमारे पास उनका वर्णन करने के लिए। तो यहां पे वे कहते कि आवृतम, वो आवृत्त है किस चीज से? वृतम कुंतलई ही, कुंतलई माने आपकी जो घटाएं है, अलकावली जो है, घुंघराले बाल है मेरे घनश्याम के, ये जो मेरा घनश्याम है इसके बाल कैसे ऐसे घुंघराले हैं और वे आकर्षित कर लेते हैं। पहले श्लोक में बताते कि मैं इदक्षिणम, इन आंखों से मैं उसको देखना चाहता हूं निरंतर बाल स्वरूप को, और इस श्लोक में कहते हैं कि उस मुख कमल का चुम्बन करने की इच्छा है। मन में विचार आता है उनके कि क्या ये आशा मेरी पूरी हो सकती है, लेकिन भजन के प्रभाव से प्रारंभ में वो अपने आप को कृष्ण का दास मानकर कहते हैं नमाम ईश्वरम, नमामि कहते हैं कि मैं इस ईश्वर को प्रणाम करता हूं। और भगवत सेवा की जब प्रखर लालसा हो जाती है और भजन से धीरे धीरे जब अनर्थ की निवृत्ति हो जाती है, फिर निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम एवं सेवा की जब भावना बढ़ती जाती है तो दास्य से व्यक्ति माधुर्य तक भी पहुंच सकता है। जैसे कई बार होता है कि जो व्यक्ति जिस रस के लिए बना है वो उस रस में जाके ही रुक जाता है, उसके आगे नहीं जा बढ़ सकता। लेकिन यहां पे हम देखते हैं कि सत्यव्रत मुनि की जो प्रार्थना है वो शुरुआत होती है दास्य से, तो उससे मालूम पड़ता है कि वे केवल दास्य रस के भक्त नहीं है, क्योंकि उनकी लालसाएं बढ़ रही है, हा? तो उससे यही प्रतीत होता है कि ये वे उन्नत कोटि के भक्त हैं और अपनी लालसाओं को बढ़ाते बढ़ाते, जैसे हम देखते हैं कि बृहद भागवत अमृत में सनातन गोस्वामी पाद ने जो गोप कुमार का वर्णन किया है, वो जाते जाते भगवत धाम जाते 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 वो वैकुंठ से भी चला जाता है, लेकिन वहां रुकता नहीं, वो आगे चला जाता है, क्योंकि उसका जो रस है वो वैकुंठ के दास्य रस से अलग है, तो वह आगे ही बढ़ते जाता है। यहां पे जो भगवान के मुख कमल का वर्णन किया गया है कि उनके ओठ जो है, अधर और ओठ, अधर ओष्ठ, ये उस बिंबा फल के जैसे लालिमा है उनके ऊपर, और वे इतने सुंदर है कि किसी का भी जी ललचा जाएगा उन अधर अमृत को ग्रहण करने का।
और सबसे ज्यादा इन अधरों का पान कौन करता है? तो गोपियां करती हैं। श्रीमद् भागवत के दशम अध्याय के 47वें अध्याय, दशम स्कंद के 47वें अध्याय में 13वां श्लोक है, जहां पे बताया गया है, जो कि उद्धव जी का संदेश है, और उस संदेश में कहते हैं कि सकृद अधर सुदाम स्वाम मोहिनी पायित्वा, अर्थात गोपिया भगवत विरह में कह रही है, अरे सखी, उन्हें भावी जीवन का पता नहीं था कि मैं इन व्रज बालाओं को छोड़कर मथुरा या द्वारका चला जाऊंगा और ये मेरे विरह में मर जाएंगे। और हमारा विरह में तड़पना ही उनको अच्छा लगता है, इसीलिए बलपूर्वक एक बार क्षणिक समय के लिए अधरामृत पान कराया, जिससे हम विरह में न मर जाए, केवल छटपट आए। क्योंकि अमृत पान करने वाला व्यक्ति मरता नहीं है, उसी उद्देश्य से उन्होंने हमें अधरामृत करवाया, पान करवाया था। और वे कहती है कि भगवान श्री कृष्ण के नेत्र, उनकी भ्रुकुटियां, उनकी हंसी, उनके ओष, ये सब पुष्प पान है। अर्थात एक बार जो श्री कृष्ण के इन अंगों का दर्शन कर लेते हैं, वे सदा के लिए उनके घायल हो जाते हैं। यह है भगवान का सौंदर्य। श्रीमद् भागवतम में बताया गया कि जो व्यक्ति काम से बहुत पीड़ित हो जाता है, जिसके हृदय में बहुत सारी काम वासना है, वो उससे कैसे मुक्त होता है? तो उसके लिए बताते हैं एक ही उपाय है कि भगवान की जो भुक्रिटियां हैं उनका आप दर्शन कर लो, क्योंकि उन भुक्रिटियों का दर्शन करके स्वयं मनमत कंदर्प अपने बाण त्याग देता है। वे इतने आकर्षक है, हृदय में स्थित काम को पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं। और भगवान के जो अंग है, उनके नेत्र है, उनकी भुक्रुटियां हैं, उनके ओष्ठ है, इनका अगर किसी को दर्शन हो जाए, वो फिर उनके लिए पूरा घायल हो जाता है। और इसका उदाहरण है हमारे पास, श्रीपाद रामानुजाचार्य के चरित्र में वर्णन आता है कि वे एक बार श्रीरंगम में थे और नित्य के भांति वे कावेरी में स्नान के लिए जा रहे थे। तो जाते समय उन्होंने एक अजीब सा दृश्य देखा कि एक बहुत ही हट्टा कट्ठा मल्ल दिखने वाला व्यक्ति एक सुंदरी के सामने से छतरी पकड़ के उल्टे चल रहा है और पूरी तरह से उसके मुख मंडल को ताक रहा है, और उसके लिए उसकी लोग लज्जा की भी परवाह नहीं है, वो वैसे चल रहा है, दुनिया उसके ऊपर हंस रही है। तो श्री रामानुजाचार्य जी ने देखा और कहे कि अगर इस व्यक्ति अगर भक्त बन जाए तो कितनी दृढ़ता से भगवान की भक्ति करेगा। तो उन्होंने अपने एक सेवक को कहा कि आप उसे बताइए कि मुझसे आके मिले। तो भारतवर्ष में पहले साधुओं के प्रति इतना सम्मान था कि जैसे वो मल्ल भी था और मल्ल के साथ साथ बहुत धनी व्यक्ति भी था, लेकिन साधुओं के प्रति नम्रता। जैसे उसने सुना कि यतिराज उनको देखना चाहते हैं, तो अपने दूसरे एक सेवक के हाथ में उन्होंने अपनी छतरी थमाई और तुरंत वे यतिराज जी को मिलने गए और आके स्वामी जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि मुझे कैसे आपने याद किया। तो स्वामी जी ने पूछा कि अरे ये आप क्या कर रहे हो, लोग आप पे हंस रहे हैं और आप इतने उस स्त्री के मुखमंडल को देखिए इतने लुप्त हो गए हो कि लोग लज्जा का भी विस्मरण हो गया आपको। तब वो कहता कि स्वामी जी, मैं सौंदर्य का रसिक हूं और इस जगत में मुझे मेरी पत्नी का मुख कमल इतना सुंदर लगता है, इससे अधिक सुंदर इस जगत में कुछ हो ही नहीं सकता, ये मेरी धारणा है, और इसलिए उस सौंदर्य का मैं निरंतर रसपान करना चाहता हूं। आप सोचिए किसी
चर्म और मज्जा से बनी हुई इस पुतली को देख के अगर कोई व्यक्ति इतना मोहित हो सकता है, तो क्या भगवान का मुखमंडल देखने वाला व्यक्ति वापस किसी चीज के प्रति आसक्त हो सकता है? संभव ही नहीं है। और फिर श्रीपाद रामानुजाचार्य उन्हें कहते हैं कि देखिए, अगर इससे भी सुंदर अगर मैं आपको कुछ दिखाऊं तो आप क्या करेंगे? तो बड़ी नम्रता से, उनका नाम धनुर्दास रहता, तो धनुर्दास जी बड़ी नम्रता से आचार्य जी को बोलते हैं कि अगर ऐसा कुछ है तो मैं उसके लिए अपना जीवन पूरा समर्पित करके उनकी सेवा करूंगा। तो श्रीपाद रामानुजाचार्य बोलते ठीक है, आइए मेरे साथ। और फिर श्रीपाद रामानुजाचार्य उन्हें लेकर श्री रंगनाथ जी के मंदिर में जाते हैं। और जाने के बाद रामानुजाचार्य हाथ जोड़ते और श्री रंगनाथ जी से प्रार्थना करते कि हे भगवान, ये जीव सौंदर्य के लिए इतना लालायित है कि किसी भौतिक सौंदर्य के प्रति वो इतना आसक्त हो कि लोक लज्जा छोड़ छाड़ के पूरी तरह से उस सौंदर्य का आस्वादन करने के लिए वो लालायित रहता है, तो कृपया आपका जो दिव्य सौंदर्य उसको आप दिखाइए और इसे आपका कायर बना दीजिए। और श्री रंगनाथ जी तो बंधे हुए अपने भक्तों के लिए, और वे भी श्रीपाद रामानुजाचार्य ने इच्छा की है, तो भगवान कहते तथास्तु, आपकी इच्छा पूरी हो जाए। और फिर श्री रामानुजाचार्य अर्चक को बोलते हैं कि आप भगवान के मुखमंडल का दर्शन करवाइए। अगर आप आज भी जाते हैं तो दर्शन में, तो दक्षिण भारत में ऐसी एक विधि है कि भगवान का दर्शन वहां पे ऐसे कृत्रिम लाइट्स की ये नहीं है, व्यवस्था नहीं है। वहां पे जब भी आप जाएंगे दर्शन के लिए तो पुजारी जी एक दीप प्रज्वलित करके भगवान के चरण कमल, नाभि कमल और मुख कमल का आपको दर्शन करवाते हैं। तो जैसे ही स्वामी जी ने अर्चक को कहा तो अर्चक ने तुरंत दीप प्रज्वलित किया और भगवान के मुखमंडल का उन्हें दर्शन करवाया। और धनुर्दास जी देख रहे थे, जैसे ही भगवान के सुंदर आंखों का उनको दर्शन हो गया, वे तो पूरी तरह से मूर्छित होकर वहां पर गिर गए। और उसी क्षण से उन्होंने अपना सर्वस्व आचार्य जी के चरणों में अर्पण किया कि आचार्य जी, आपके कारण ये बृहत सौंदर्य मुझे देखने के लिए प्राप्त हुआ जिसे मैं अब जीवन में कभी नहीं भूल सकता, मुझे कभी भी इसका विस्मरण नहीं हो सकता। और बस वे पूरी तरह से सारा छोड़ छाड़ के आचार्य जी की सेवा में लग गए। तो ऐसे व्यक्ति भगवान का सौंदर्य देखने के बाद लालायित हो जाता है, घायल हो जाता है। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि जो व्यक्ति भगवान के लीला इन कानों से सुनता है तो क्या होता है उस व्यक्ति पे? भगवान के चरित, उनकी लीलाएं, उनके गुण, उनका रूप, इसका वर्णन जो व्यक्ति सुनता है क्या होता है उसके साथ? श्रीमद् भागवत के इसी उद्धव संदेश में गोपियां ही खुद स्वयं ही वर्णन कर ली इसका। वे कहती है यदानुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रोट सकृदनम विदुत द्वंद्व धर्मा विनष्ट सपदी गृह कुटुंबम दीनमुत्सृज्य दीना बहव इह विहंगा भिक्षुचर्याम चरन्ति। सनातन गोस्वामी बाद उनकी टीका में वे कहते हैं कि ये श्लोक श्रीमती राधा रानी के द्वारा बोला गया है। श्री वृषभानु नंदिनी विरह ज्वाला में तड़पती हुई अपनी सखी से रोष पूर्वक आक्षेप से कह रही है, अरे सखी, यदि एक बार भी किसी के कानों में उनका चरित या अमृत भरी लीला कथा पड़ जाए तो उसका क्या हाल होता है? विनष्टहा द्वंद्व धर्महा, अर्थात जितने भी संसार के द्वंद्व धर्म है वे सब नष्ट हो जाते हैं। पक्षियों अथवा भिक्षुकों की प्रति
उनका जीवन हो जाता है। जैसे पंछी कहीं एक जगह पे नहीं दाना चुगता, उसको हर जगह पे घूमना पड़ता है, उसी प्रकार से जब कोई भगवत भावना भावित हो जाता है और भगवान की गुण कर्म लीला कथाओं का कायर हो जाता है तो उसकी यह स्थिति होती है। जैसे चौराग्रगण्य अष्टक में कहा गया है, श्री राधिकाया हृदयस्य चोरम, श्रीमती राधा रानी का हृदय चोर चुरा लेते हैं, और पदाश्रितानाम समस्त चोरम, जिन्होंने इनके चरणों का आश्रय ले लिया है उनका सब कुछ चुरा लेते हैं ये, और करोति भिक्षुक पति गेहहीनम, और उसे रस्ते पर का भिगारी करके छोड़ देते हैं। इसीलिए ज्यादातर लोग भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में नहीं आते हैं, क्योंकि बोलते भिखारी कर देता है ये व्यक्ति, हरति सर्व शेषम, ये सब कुछ है सब हर लेता है व्यक्ति। अरे जब उनकी कथा सुनते हैं तो संसार के सारे द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं, जब उनका पूरी आश्रय लोगे तो संसार की सारे आसक्तियों से मुक्त हो जाओगे, और जब व्यक्ति आसक्तियों से मुक्त हो जाता है तो विरक्त बनता है, और विरक्त बनेगा तो फिर जंजाल थोड़ी लेके घूमेगा। जैसे श्रीपाद रामाचार्य के चरित्र में आता है कि उनके एक शिष्य थे कुरेश, जो कुरु नाम के गांव के इष्ट थे, बहुत धनी थे। वर्णन आता है उसमें कि एक बार माता लक्ष्मी संध्या के रात्रि के समय भगवान से पूछती है कि इतना प्रचंड ध्वनि क्या हो रहा है, तो भगवान कहते हैं कि कुरेश के महल का दरवाजा बंद हो गया वो अभी। बोले इतना प्रचंड आवाज, तो बोले हाँ वो उतना प्रचंड महल है उसका, क्योंकि प्रात से लेके रात्र समय तक उनके घर पे भिक्षुओं की पूरी ऐसी रांग लगी रहती थी, और कोई भी खाली हाथ वहां से नहीं जाता था। तो जब कुरेश जी को मालूम पड़ा कि ये माता लक्ष्मी और भगवान श्री रंगनाथ जी में ये संवाद हो रहा है, तो उसी दिन उन्होंने सोचा कि ये मेरा सारा ऐश्वर्य भगवान के सेवा में विघ्न है, उसी दिन उसका त्याग कर लेते, उसके ऊपर तुलसी पत्र छोड़ के निकल जाते। और पत्नी इतनी आज्ञाकारी होती है कि आ और वो भी नहीं करती कि अपने पति ने सारा दान कर लिया तो सारा दान कर दिया, लेकिन पति की सेवा की इच्छा से वो एक चांदी का प्याला लेकर साथ में चलती है उनके। जब वे वन से गुजर रहे होते हैं तो देखते कि पत्नी के चेहरे पर भय का भाव है, तो वो पूछते कि क्या हुआ, आप इतनी भयभीत क्यों हो? तो नहीं बोली, मुझे भय इसलिए लग रहा है कि हम जंगल से जा रहे, कोई अगर आए तो। बोले तो क्या होगा, हमारे पास तो कुछ है नहीं, और कुछ होगा तो भय होगा, आपको भय है ना, आप कुछ लेके आई हो साथ में? तो वे कहती है हाँ मैं ये चांदी का प्याला लेके आई थी, पात्र लेके आई थी कि कहीं आपको प्यास लगे तो पानी पिलाए करके। वो बोले अरे सहारा छोड़ के जब जंगल में आया है तो फिर इसकी क्या आवश्यकता, फेंक दो उसे, और वे उसको फेंक देते हैं। तो इतना चरम वैराग्य प्राप्त हो जाता है जब कोई व्यक्ति भगवान के प्रति आसक्त हो जाता है। और यहां पे तो ज्वलंत उदाहरण दिया है, तो सखियां पूछती है कि इसका कोई कहीं अन्यत्र उदाहरण है क्या, कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसके जीवन में हम देख के इस परिणाम को देख सकते हैं? तो श्रीमती जी कहते हैं अरे अन्यत्र देखने की क्या आवश्यकता है, हम ही तो इसके ज्वलंत उदाहरण है, उनकी लीला कथा का श्रवण करने से हम बेघर बेघर हो गए, बेकार हो गए। कैसी थी उनकी दशा, श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के द्वितीय अध्याय में 40वां श्लोक है, जहां पे भगवत अनुरागी जो व्यक्ति है जिसमें प्रेम लक्षणा भक्ति के लक्षण दिखाई देते हैं, क्योंकि ऐसी प्रेम लक्षणा भक्ति के योग से उस साधु पुरुष के हृदय में क्या भाव उत्पन्न होता है, उसका बहुत ही सुंदर वर्णन यहां पे किया गया। वे कहते हैं एवं व्रता स्वप्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागो धृतचरित
चित्त उच्चैः हत्स्त्यत्तो रोदती रौति गायन्ति उन्माद नृत्यति लोकबाह्या। वे यहां पे कहते हैं कि एवं व्रतहा स्वप्रिय नाम कीर्त्या जतानुरागो द्रुतचित्त उच्चैः हसति यथो रोदति रौति गायति उन्मादयति नृत्यति लोकभय्या। लोकभय्या ने लोकाचार लोक लज्जा का विचार न करते हुए व्यक्ति करता क्या है, जब ऐसे प्रेम लक्षणा भक्ति के योग से जो साधु पुरुष जो सत्पुरुष रहते हैं उनके हृदय में एकांत प्रियतम श्री भगवान के नाम संकीर्तन से अनुराग एवं प्रेम का अंकुर उगता है, उनका चित्त द्रवित हो जाता है और अब वे साधारण मनुष्य के जैसा उनका व्यवहार नहीं रहता, उससे उस स्थिति से वे ऊपर उठ जाते हैं और लोक लज्जा छोड़कर कभी हंसने लगते हैं, कभी कभी तो फूट फूट के रोने लगते हैं, कभी उच्च स्वर में भगवान का नाम लेकर उनको पुकारना शुरू कर देते हैं। हे राधे ब्रज देवी के चललिते हे नंद शूनो कुता श्री गोवर्धन पाद तले कालिंदी वने कुता। षड गोस्वामी अष्टकम में श्रीनिवास आचार्य जी वर्णन करते हैं क्या स्थिति होती है षड गोस्वामियों की, एक पागल के भांति एक उन्मादित व्यक्ति के भांति चिल्लाते हुए घूमते, हे राधे हे व्रज देवी के हे नंद सुनो कहां है आप, गोवर्धन की तलहटी पे है, कहां है, लोक लज्जा को छोड़ छाड़ के इस तरह से उनके मन उनके हृदय की यह स्थिति हो जाती है। और कभी कभी भगवान को रिझाने के लिए नृत्य भी करते हैं, तो सही में लोग कहते हैं ना कि बहुत पहुंचे हुए संत से हम मिले, वे पहुंचे हुए जो संत है वो कैसे रहते हैं उसका वर्णन यहां पे है, नहीं तो दुनिया भरी है पाखंडी लोगों से, है तो कुछ नहीं लेकिन दिखाना बहुत रहता है उनके पास, लेकिन जिनके पास होता है वो दिखाते नहीं। और कभी कभी वो हमें दिख जाता है क्योंकि वो लोक लज्जा को छोड़ छाड़ के जब अपने प्रियतम के प्रति उनका प्रेम इतना प्रबल हो जाता है कि फिर सारी लोक लज्जा छोड़ के वे इस प्रकार का व्यवहार करते हैं। देखिए भगवान के संपर्क में आने के पश्चात अचित विचित बन जाता है, जैसे बांस की सूखी वंशी भी भगवान श्री कृष्ण के अधर अमृत का स्पर्श करके इस स्त्री जगत के ताप को नष्ट करके उसको पागल बना देती है। यह भगवान के अधर अमृत की करामत है और इसलिए गोपियां उस वंशी को अपनी सौत समझती है। और ब्रह्मा जी जब भगवत धाम का वर्णन करते हैं, चिंतामणि प्रगर सत्म सुकल्प वृक्ष ओ श्रिया कांता कांता परम पुरुष कल्पतरो द्रुमा भूमि चिंतामणि गणमयी तोयम अमृतम गानम नाट्यम
वंशी प्रिय सखी है। वे कहते कि वह वंशी प्रिय सखी है जो पागल बना देती है सबको। तो जब तक अनर्थों से यह हृदय शुद्ध नहीं होता है, तब तक इन सारे सुंदर भावनाओं का, भावों का अनुभव हमें नहीं हो सकता। तो इसलिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि अभी तो हमारा वो भाव नहीं है, लेकिन जिनके पास ये भाव है और उन भावों में उन्होंने जो प्रार्थना की है, उन प्रार्थनाओं को जब हम नित्य रूप से करते रहते करते रहते करते रहते करते रहते, तो भगवान की कृपा से उन भावनाओं को हमारे हृदय में हम अनुभव करना शुरू कर देते हैं। और इसलिए हमें नित्य रूप से, देखिए श्रील प्रभुपाद की अहेतु की कृपा के कारण उन्होंने जो हमें पूरी दिनचर्या दी है, उस दिनचर्या में हम करते क्या है? मंगल आरती से लेकर रात्रि की शयन आरती तक केवल प्रार्थना से भरा हुआ है हमारा दिन। प्रातः उठते ही हम हमारे गुरु जी को प्रणाम करते हैं, हम उनकी प्रार्थना करते हैं। गुरु अष्टक के द्वारा हम अपने हृदय को पूरी तरह से उनके चरणों में समर्पित करते हैं। उसके पश्चात फिर भगवान श्री नरसिम्हा देव को प्रार्थना करते हैं। वो होने के पश्चात कृष्ण प्रेम प्रदायिनी श्रीमती तुलसी महारानी की प्रार्थना करते हैं, फिर से गुरु वंदना करते हैं, फिर से श्रीमद् भागवत में जो भक्तों ने भगवान को जो अलग अलग प्रार्थनाएं किए उनका पठन करते हैं, और दिन भर में फिर भगवान के निरंतर भजन, गुणगान, लीला चरित उसी में ही लगे रहते हैं। सोने से पहले ही भगवान से क्षमा याचना करते हैं कि अपराध सहस्त्राणि क्रियते अहर निशम देयः अहर निशम मयः दासोहम इतिमाम मत्वा क्षमस्व मधुसूदन पापोहम पापकर्माहम पापात्मा पापसंभवा त्राहि माम पापिनम घोरे सर्व पाप हरो हरि। ये पूरा जीवन ही प्रार्थना से भरा हो। तो इन प्रार्थनाओं को जब हम करते रहते हैं, हालांकि बद्धावस्था में हमारी वे भावना नहीं रहती, लेकिन नित्य रूप से जब हम इन प्रार्थनाओं को दोहराते हैं दोहराते हैं दोहराते हैं, तो भगवत कृपा से वो भावना हमारे हृदय में उदित होना शुरू हो जाती है। तो यहां पे हम देखते हैं कि कोई भक्त जब भगवान के सुंदर रूप का वर्णन कर लेता है, और जैसे सत्यव्रत मुनि पहले ही श्लोक में बताते कि लसत कुंडलम, भगवान के कानों में सुंदर कुंडल है जो दोलायमान होते हैं, डोल रहे हैं, और डुलते डुलते कैसा होता है वो कि वो कुंडल जो है भगवान के गालों को बार बार स्पर्श कर लेता है। तो भक्त अभी मन में सोच लेता है कि यदि कुंडल सुवर्ण का होकर भी भगवान के कपोलों का चुंबन कर रहा है तो क्या मैं नहीं कर सकता, अर्थात मैं भी कर पाऊंगा। और इसी लोभ से जब वह साधक प्रयास करता है, और इसी प्रयास को हमारे आचार्यगण अभिधेय करते हैं कि जब जब अपनी सेवा वृत्ति को प्राप्त कर उसको प्रयोजन में फिर परिवर्तित कर देता है, और इसे ही वे प्राप्त करना चाहते हैं। वे बोलते हैं मुझे अन्य किसी वर की अपेक्षा नहीं है। और यहां पर सत्यव्रत मुनि दास्य रस से प्रार्थना आरंभ करते हैं, और अब वात्सल्य में प्रवेश प्राप्त करने के कारण लोभ से यहां पर प्रार्थना कर रहे हैं। तो ठीक उसी तरह से कोई साधक प्रारंभ में अपने को कृष्णदास समझ लेता है, और जैसे ही भगवान की कृपा उसके ऊपर बढ़ते लगती है,
बढ़ जाती है। और गुरु जी जो है, जो अपने आध्यात्मिक मार्गदर्शक है, उनकी कृपा जब हो जाती है, क्योंकि शास्त्र में गुरु जी के लिए अंतर्यामी ये समानार्थी शब्द का प्रयोग किया गया है। क्यों अंतर्यामी कहा जाता है उनको? क्योंकि वे देखते हैं कि हमारी आत्मा का स्वरूप क्या है, और उसे जानकर, उसे देखकर वैसा ही संबंध हमारा वो भगवान के साथ जोड़ते हैं। और तत्पश्चात जो हम श्रवण कीर्तन स्मरण रूपी जो भी सेवा हम करते हैं, उससे इस भक्ति लता को जल प्राप्त होकर उसकी पुष्टि होती है। और उसके पुष्टि के लिए जो बाधाएं करने वाली चीजें हैं, उनको वे अपने अमृतवाणी की जो कुठारी है उससे नष्ट कर देते हैं, और जीव को मालूम भी नहीं पड़ता कि मेरे जीवन के अनर्थ कैसे दूर हो रहे। इसलिए कहते हैं कि साधुओं का संग आवश्यक है, क्योंकि उस संग में ही जाने अनजाने में उनके वचनों के द्वारा, उस वचन कुठारी से हमारे हृदय में जो भक्ति लता के लिए बाधक चीजें जो प्रस्फुटित हो रही है, उनको वो काट डालते हैं। और ये केवल होता है गुरु और वैष्णवों का संग करने से, और हमें पता भी नहीं चलता। इसीलिए कहा गया है कि शास्त्र संग साधु संग साधु संग सर्व शास्त्र के, कि साधुओं का संग करो, क्योंकि जाने अनजाने में आपके मन की शुद्धता हो जाती है। क्योंकि उपासना दो प्रकार की है, एक है मंत्रमय उपासना जिसमें साधारणतः ये प्रथम अवस्था है जिसमें भगवान के एक ही लीला के ऊपर स्मरण रहता है, और दूसरी है स्वारसी की। स्वारसी की यानी भगवान के कई लीलाओं का निरंतर स्मरण होना। और ये जो उपासना पद्धति है ये व्रज में है। आप जब व्रज में जाते हो तो केवल एक ही लीला का स्मरण नहीं होता वहां पे, क्योंकि आप जब भ्रमण करते हो व्रज में तो हर जगह पे भगवान ने अलग 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 लीलाएं की है, और फिर उन लीलाओं का स्मरण होते जाता है। और ऐसा साधक व्रज की किसी भी कोने में चला जाएगा तो सभी जगह भगवान श्री कृष्ण की नई नई जो लीला है उनका उसको अनुभव होगा, और एक श्रृंखला के भांति उसके हृदय में वो लीलाएं स्फुरन होती रहेगी। यहां की लीला, वहां की लीला, और इसी को ही रागानुगा या लोभमय भक्ति कही गई है। और ऐसी लोलुपता ही आपको भगवत भावना प्रदान करती है, भगवान का दर्शन साक्षात करवाती है। जैसे हम देखते हैं कि जो जिस लीला या जो जिस भाव में है, उस भाव के जो अधिष्ठाते हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि वात्सल्य भाव के अधिष्ठाते नंद बाबा है, यशोदा मैया है, क्योंकि उनके लिए लाला ही उनका पाल्य है, उसका पालन करना ही उनका कर्तव्य है। और जो भक्त उस भाव में रहता है वो नित्य रूप से उसी भावोचित ऐसे जो भक्त है उनका सेवक बनना चाहता है। और इसका तात्पर्य यही है कि लक्ष्य लाभ है, मुझे लाखों और कुछ मिले उससे कुछ लेना देना है ही नहीं, मुझे मेरे भाव का जो रसास्वादन है वो प्राप्त हो जाए मुझे, बस और कुछ नहीं चाहिए। जैसे विट्ठल आचार्य उनके एक प्रार्थना में कहते हैं, श्याम सुंदर शिखंड शेखर
स्मेर हास मुरली मनोहर राधिकार रसिक मां कृपानिधेश्व प्रिया चरण किंकरम करो। वे कहते हैं कि हे भगवान, आप वास्तव में मुझ पे अगर प्रसन्न होते हैं तब अपने साधकों और साधकों साधिकाओं को यही वर दे कर मुझे आप कृतार्थ करें कि आपके जो रसिक भक्त हैं उनका आप मुझे, उनके चरणों का मुझे किंकर बनाइए। यही तो भगवान के भक्तों की अपेक्षा रहती है। जैसे महाराज कुलशेखर, उनकी सुंदर प्रार्थना है मुकुंद माला स्तोत्र करके, उसमें वे कहते हैं कि मत जन्मनि फलमिदं मधुकैटभ भारे मत प्रार्थनीय अनुग्रह एष एव त्वद भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृत्यस्य भृत्य स्मरमा लोकनाथ। हे भगवान, आप मेरे जीवन को कृतार्थ करना चाहते हैं। मत जन्मनि फलमिदं मधुकैटभ भारे, हे मधु, हे कैटभ के अरि, आप अगर मेरे जन्म को सार्थक करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरी पहचान क्या बनाइए कि आपके दासों के 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 दासों का दास करके जब आप मुझे स्वीकार करेंगे तो मेरा जन्म सार्थक हो जाएगा। यही मांगते भगवान के भक्त भगवान से। वो धनम दे, पुत्रम दे, बहुपुत्र लाभम दे, ये सारी चीजें नहीं मांगते। वे केवल और केवल भगवान से एक ही चीज मांगते कि हे भगवान, मुझे आपके जो प्रिय, यहां पे बहुत सुंदर शब्द का वर्णन किया है विठ्ठलाचार्य जी ने। वे कहते कि स्वप्रिया चरण किंकिरिम, आपकी जो प्रिया है उसके चरणों में जो सेवा करने वाले किंकर है उनका मुझे आप किंकर बनाइए। तो आइए, जो आज हमने जिसके ऊपर चर्चा की है उसको ही अपने जीवन में ढालने का प्रयास करें। और यह तभी संभव हो सकता है जब कोई भगवत भक्त का हमारे ऊपर सर पे हाथ रहता है, उनकी जब कृपा बनी रहती है। क्योंकि भक्त कृपा करेंगे तो भगवान बंध जाते हैं उस जीव पे कृपा करने के लिए। इसलिए किसी शुद्ध भक्त के चरणों का आश्रय ले ले। भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम के मुता श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि इस मर्त्य लोक में सबसे बड़ा अगर आशीष वरदान कोई है तो वो है भगवत संगी संगस्य। भगवान का नित्य संग करने वाले जो भगवत संगी है, ऐसे लोगों का संग करो। तो ये दास यहीं पे आज वाणी को विराम देता है और फिर कल हम जो छठवां श्लोक है जिसमें वे प्रार्थना कर रहे भगवान से, जो कि हर रोज हमें करनी चाहिए, अपनी स्थिति का पूरी तरह से वर्णन करके पूरी तरह से भगवान के चरणों में प्रार्थना, एक लालायित भाव से जो प्रार्थना की जाती है वो कैसी है, उसका वर्णन सत्यव्रत मुनि करते हैं और उसकी चर्चा हम कल करेंगे। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री श्री राधा दामोदर भगवान की जय। श्री गोविंद देव की जय। हरे कृष्ण।